हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक सिंगल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री क्या होता है एंड देन डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूलाज जो हमें जरूरत पड़ेगी जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। तो चलिए जानते हैं सिंगल एंट्री क्या होती है। याद रखिएगा, आप जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं नॉर्मली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हम लोग को बहुत प्रोसीजर फॉलो करना होता है। लाइक हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाना है तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, देन हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इस पूरे को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट याद रखिएगा, सिंगल एंट्री में क्या होता है, बहुत इजीली हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ही कोई छोटा मोटा बिजनेस होता है जिसके लिए मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ता है तो हम सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं, हम तुरंत हमारा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आपको इसमें थ्योरी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको इतना थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे हम लोग तुरंत आएंगे फॉर्मूलाज पे। तो फॉर्मूला हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि आपको प्रॉफिट निकालना है, आप सिंपली इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, सिंपल है। क्लोजिंग कैपिटल, लास्ट में जो हमारा कैपिटल बचता है उसमें ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे वापस, एंड माइनस एडिशनल कैपिटल करेंगे, माइनस ओपनिंग कैपिटल करेंगे। बट याद रखिएगा, जब आप एग्जाम में सम्स करेंगे तब ये फॉर्मूला आप ऊपर वाला ऐसे नहीं लगा सकते, आपका सम रॉन्ग कर दिया जाएगा। आप हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आप स्टेटमेंट फॉर्मेट में ऐसे बनाओगे कि आप कैसे बनाओगे, जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है जस्ट उसको आप स्टेटमेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे बनाएंगे आप, कैपिटल एट द एंड लिखेंगे आप, देन एड ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, देन कैपिटल एट द बिगिनिंग, देन आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। एंड नीचे बोलिए मैंने नोट में क्या लिखा है, मैंने नोट में यही लिखा है कि ये आपका अगर पॉजिटिव आया तब तो ठीक है, तब आपका इसका मतलब प्रॉफिट है, लेकिन अगर ये नेगेटिव में आंसर आया इसका मतलब आपका प्रॉफिट नहीं है, आपका आपका लॉस है। ठीक है, यही मैंने नोट में लिखा है, बस आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं किस पे, जब आप प्रॉफिट निकालने के लिए आपको बोला जाए तो आपने देखा कि आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए, आपको फॉर्मूला में चाहिए क्लोजिंग स्टॉक एंड द ओपनिंग स्टॉक चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है प्रॉफिट निकालने के वक्त प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी फिगर यहाँ पे मिसिंग हो। फॉर एग्जांपल, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास नहीं है, ओपनिंग कैपिटल आपके पास नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इस फॉर्मेट से ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा। ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, आप जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो याद रखिएगा ये देखिए फॉर्मूला, ये होप आपने शायद पढ़ा भी होगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। या आपको सपोज आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो आप एक बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट आप बोल सकते हो उसको, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो और 1 अप्रैल जो भी आपका ईयर रहेगा, और अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो 31 मार्च जो आपको ईयर एंड का आपको दिया होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। मतलब यही कि अगर आपको ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, आप इसी फॉर्मेट से दोनों निकाल सकते हैं, दोनों मीन्स एक साथ नहीं, अलग अलग। फॉर एग्जांपल, आपको ओपनिंग की फिगर दी रहेगी तो आप इसे ओपनिंग की फिगर अगर आपको दी रही तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ओपनिंग का कैश इन हैंड, ओपनिंग का कैश एट बैंक, ये सारे आपके एसेट्स है। अभी नाम देख लीजिएगा, ये एसेट्स आपके क्वेश्चन में भी आएगा, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा। ऐसे आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता है इसमें, प्रीपेड एक्सपेंसेस में इट इज योर एसेट्स, एक्रूड इनकम, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, ये सारी हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं मीन्स आपकी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एसेट। एंड देन आपकी लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, याद रखिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर लाइबिलिटी, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बहुत रॉन्ग करते हैं, याद रखिएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आप एडवांस रिसीव कर रही आपकी लाइबिलिटी है, याद रखिएगा हमारा पर्पज ये निकालना है, ये वाला कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, कैपिटल मिल जाएगी। कैपिटल मीन्स अगर आप ओपनिंग फिगर्स लिख रहे हैं, मतलब ओपनिंग कैश, ओपनिंग बिल रिसीवेबल, ओपनिंग सारे एसेट्स और ओपनिंग सारी लाइबिलिटीज लिख रहे हैं,
तो आपको जो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल। और अगर आप क्लोजिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश एट बैंक, क्लोजिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज लिख रहे हैं, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। सिंपल, आपको जो भी फिगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, मेनली क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिए रहते हैं, आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। कभी कभी आपको ओपनिंग भी दिया रहता है, क्लोजिंग भी दिया रहता है, अलग अलग दिए रहते हैं, तो आपको दो बार बनाना पड़ेगा। एक बार ओपनिंग के सारे एसेट और लाइबिलिटी लिखने पड़ेंगे, आपके निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। एक बार आपको ओपनिंग के एसेट और ओपनिंग के लाइबिलिटीज लिखने होंगे, आपके निकल जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। बस आपको इस चैप्टर में यही करना है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है, बस ये दो चीज आप याद रखिएगा। अगर इस फॉर्मेट से, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से आपका ओपनिंग या क्लोजिंग मिसिंग है तो आप निकाल लोगे। अगर आप निकाल लोगे तो सिंपल, आप ये वाला जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, आप इसमें पुट करोगे, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा या आपका लॉस निकल जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सम्स करेंगे। थैंक यू एवरीवन।